आपकी यह औकात नहीं है कि आप डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से आंख मिला के बात कर सको। आपकी औकात नहीं है कि आप शमीम खान से आंख मिला के बात कर सको। हाँ, गालियां दे लोगे आप पीछे से, लेकिन ये मजाक जो बनाया था लोगों ने मेरा, वो 21 तारीख को और 24 तारीख को इंशाअल्लाह ताला, मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ताला इसका फैसला तुम करना, सच्चाई की जीत होगी और इनके मुंह में कालक पोतेंगे। कचरों का अंबार लगा रहता है, वहाँ गाय रहती हैं, ऐसे ही सिंगापुर और शंघाई रहता है। गाय के बारे में तो आप मुझसे नहीं, नहीं। ऐसे ही रहती है, नहीं नहीं ऐसे ही रहता है, रोड के जो रास्ते पे लोग चलते हैं वो लोग ऐसे ही नाक बंद करके वहाँ से गुजरेंगे और आप इस शहर को शंघाई कहेंगे। भाई मैं हूँ इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी हैं। एनसीपी के उम्मीदवार जो दो बार कलवा मुमरा से आमदार चुनकर आए और तीसरी बार भी कल पर्चा भरने के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान। हम उन्हीं से इस मसले पर बात करेंगे। कल तीसरी बार पार्टी जितेंद्र अवार्ड को फिर से जो है टिकट दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं प्रहार टाइम्स के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार को, खास करके मुमरा शहर, कलवा शहर के जो आवाम है, जो आमदार साहब को दिल से मोहब्बत करती है और हमारे एमएलए साहब उनसे भी दिल से मोहब्बत करते हैं, खास करके हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी, नगर सेवक, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, मैं प्रहार टाइम्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कल इंशाल्लाह ताला आपके हमारे लाडले आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब कल नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में इंशाल्लाह ताला 12:30 बजे तशरीफ़ ला रहे हैं कि आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने विकास किया है और जब आदमी काम करता है तो उसको वोट नहीं मांगना पड़ता, बल्कि आवाम उसके साथ खड़ी होकर के कहती है कि तुमने काम किया है, ये तुम्हारे काम की मजदूरी है, हम तुमको अदा करते हैं, क्योंकि तुमने ईमानदारी के साथ मुमरा कौसा कलवा को, मैंने पहले भी कहा था कि आपने सिंगापुर बना दिया है, कि कल आप 11:30 बजे दत्तूवाड़ी में शरीक हों, वहाँ पे हमारे नेता माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष कल खुद हमारे आमदार साहब का नॉमिनेशन फॉर्म भरवाने के लिए आ रहे हैं। ये हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। कल हमारे आमदार साहब का नॉमिनेशन कराने के लिए कन्हैया कुमार जी आ रहे हैं, कल हमारे आमदार साहब का पर्चा दाखिला कराने के लिए हार्दिक पटेल साहब आ रहे हैं। समीम भाई, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विकास काम बोलता है, लेकिन वहीं शहर में जो और पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ है। हंसी आ रही है मुझे, पार्टी बची कहाँ, कोई पार्टी है किधर? अरे आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, कहते हैं फला को टिकट मिल गया तो आमदार साहब ने करवा दिया होगा, फला को टिकट मिल गया होगा तो जितेंद्र अवार साहब ने करवा दिया होगा। इनको अपनी पार्टी के लीडर पर यकीन नहीं है, इनको अपनी पार्टी के संगठन पर यकीन नहीं है, इनको अपने आप पे यकीन नहीं है। जब 10 लोग बैठ के तय करते हैं कि जिसको टिकट मिला उसके लिए काम करेंगे, उसके बाद ये लोगों को अपने साथियों पे शक हो जाता है, तो जब अपनी अपने घर को संभाल नहीं सकते तो इतना बड़ा मुमरा कलवा जहाँ पे तकरीबन 3,68,000 वोटर्स हैं, उसे कैसे संभालोगे? आपकी औकात नहीं है कि आप डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से आँख मिला के बात कर सको। आपकी औकात नहीं है कि आप शमीम खान से आंख मिला के बात कर सको। हाँ, गालियां दे लोगे आप पीछे से, यही काम है आपका, लेकिन मुमरा कलवा और कौशा की आप विकास की बात कर रहे हैं तो आपके मैनिफेस्टो जो तैयार हुआ होगा उसमें क्या क्या इस बार है विकास के लिए? इस्लामुद्दीन भाई, लोगों का ये दावा है कि जो पोस्टरों में, बैनरों में दिखाया गया है कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, ये सब सपने हैं। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एक सहाफ़ी हैं और आप भी इस शहर में रहते हैं, आपने इस शहर का विकास देखा है, मैं अगर उनकी बात ना करूं तो मैं आप ही को एविडेंस देके कह सकता हूं कि मेरे विकास से
और मेरे आमदार साहब के काम से आप भी इनकार नहीं कर सकते। आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने वो काम किया है जो महाराष्ट्र का कोई एमएलए नहीं कर सका। आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने मुमरा कौसा में ला के कब्रस्तान दिया 5 एकड़ का, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत थी। आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुमरा कौसा में स्टेडियम दिया। आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने गलियों गलियों का कॉन्क्रीट करवा दिया। आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने चौपाटी ले आए। आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने बाईपास बनवा दिया। आमदार साहब ने स्ट्रीट लाइट लगवा दिया। आमदार साहब ने मुमरा कौसा से डस्ट को फ्री करा दिया। आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुमरा कौसा का हर डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, चाहे वो पानी हो चाहे वो लाइट हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कौसा के लोग कहते हैं, मैंने कभी प्रहार टाइम्स में कहा था कि मुमरा कौसा को आमदार साहब ने ला करके सिंगापुर संघाई के नक्शे पे खड़ा कर दिया है, तो लोगों ने मेरा मजाक बनाया था। लेकिन ये मजाक जो बनाया था लोगों ने मेरा, वो 21 तारीख को और 24 तारीख को इंशाअल्लाह ताला, मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ताला इसका फैसला तुम करना, सच्चाई की जीत होगी और इनके मुँह में कालक पोतेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह से गर्ल हॉस्टल हुआ, स्लाटर हाउस हुआ, उसका सपना तो बार बार दिखाया जा रहा है। इस चुनाव में भी सपने दिखाए जा रहे हैं गर्ल हॉस्टल का, स्लाटर हाउस का। क्या सपने दिखा, आप मुझे घेर नहीं सकते। मैंने प्रहार टाइम्स के आपकी ऑफिस में बैठ करके आमने सामने में कहा था कि स्लाइडर हाउस जो हॉस्पिटल बनवाया है आमदार साहब ने, उसके पीछे संजू जायसवाल कमिश्नर साहब ने अलॉटमेंट कर दिया है, गर्ल हॉस्टल बन रहा है। क्या बातें करेंगे वो जिनके पास ऐसे ऐसे कहते रहोगे बन रहा है। आप इनकार कर सकते हैं क्या? क्या गर्ल हॉस्टल नहीं बना? क्या मुमरा कौसा के, क्या एमएम वैली में क्या हॉस्पिटल नहीं बना? क्या कब्रस्तान नहीं आया? क्या चौपाटी नहीं बन रही है? क्या वहां पे मुमरा कौसा के अंदर रोड कॉन्क्रीट नहीं हुए? कहाँ चौपाटी बना? बन रहा है चौपाटी, बन चुका है 80%। जाके दिखा दीजिए कैमरे से, आपके जाके दिखा दीजिए। इस्लामुद्दीन भाई माफ कीजिएगा, इसे इनकार आप भी नहीं कर सकते हैं। कहाँ चौपाटी कहाँ बना है? कहाँ गर्ल हॉस्टल बना है? कहाँ पर हज हाउस बना है? हज हाउस कहाँ पर? स्लाटर हाउस बना है? हज हाउस मुमरा शहर अभी भी वैसे ही बदहाल है, पानी की किल्लत है, गली गली में इलेक्ट्रिक बॉक्स खुले पड़े हैं, बिजली आ रही है जा रही है, और आप बोल रहे हैं कि मुमरा जो है सिंघाई बन गया है। आपको सुनिए, आपने अच्छा सवाल किया। मैंने कब कहा कि हज हाउस बन गया? हमने ये कहा है, हमारे आमदार साहब ने हज हाउस का उन्होंने मंजूरी ले आए। मैंने गर्ल हॉस्टल कहा है तो अभी भी कह रहा हूं, बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। जो रास्ता एमएम वैली पे कब्रस्तान जाता है, लेफ्ट हैंड पे गर्ल हॉस्टल बन चुका है, उसके अपोजिट साइड में राइट हैंड पे वहां बन चुका है हॉस्पिटल। आप बात करते हैं स्लाइडर हाउस की, जाकर के उठा के डीपी रिमार्क में चेक कर लीजिए, जाकर के कॉपी लेके देख लीजिए कमिश्नर ऑफिस के अंदर, टीएमसी कमिश्नर के पास, कमिश्नर साहब ने जगह अलॉटमेंट कर दिया है। आप बात करते हैं चौपाटी की, चौपाटी बन चुकी है 80%। आप बात करते हैं मुमरा कौसा की, मुमरा कौसा में लोग जब घुसते हैं तो ये लोग पूछते हैं कि यहां का आमदार कौन है, तो लोग बड़े फख्र कहते हैं यहां का आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे कहता हूं इस्लामुद्दीन भाई कि इंशाअल्लाह ताला ये वो व्हाट्सएप पे लिखने से कि गर्ल हॉस्टल नहीं है, अरे यार कब्रस्तान। आज कब्रस्तान के बारे में मैं कहना चाहता हूं, मैं शमीम खान, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला को मानता हूं। आज मैनिफेस्टो के अंदर वो है जो आमदार साहब ने, क्या और भी सपने हैं, आज उसमें हज हाउस भी है, आज बकरा मंडी भी है, उसके अंदर आज बहुत सारे और भी मिशन हैं हमारे। हमारे नेता का एक ही सपना है जो मैं बार बार कहता हूँ कि सिंगापुर संघाई क्या कि नक्शे पिला के खड़ा कर दिया उन्होंने। और इंशाअल्लाह ताला आज जो मजाक बनाते हैं शमीम खान का कि शमीम खान यहाँ पर सड़कों पर, जो आपके ऑफिस यहाँ पर है और थोड़ी दूर पर आपके ऑफिस के जो रोड के साइड में कचरों का अंबार लगा रहता है, वहाँ गाय रहती हैं, ऐसे ही सिंगापुर और संघाई रहता है। गाय के बारे में तो आप मुझसे नहीं, नहीं ऐसे ही रहती है, सुनिए ना, नहीं नहीं ऐसे ही रहता है, रोड के जो रास्ते पे लोग चलते हैं वो लोग ऐसे ही नाक बंद करके वहाँ से गुजरेंगे और आप इस शहर को संघाई कहेंगे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह संघाई किसको कहते हैं, सिंगापुर किसको कहते हैं, डेवलपमेंट को वहाँ पर ऐसे ही है क्या रोड पे कचरा? सुनेंगे सर, डेवलपमेंट को कहते हैं इस्लामुद्दीन साहब, डेवलपमेंट हमारे आमदार ने जो डेवलपमेंट किया है उससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। रही बात आपने कहा गाय की,
तो ठीक है, हम उसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहते। रही बात सफाई की, सफाई की बात जो है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सुबह के टाइम में पूरा क्रिस्टल की जो का सिस्टम है, जो वो लोग आते हैं सफाई करते हैं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम प्लास्टिक ला के रोड पर ना डालें, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कचरा ला के रोड पर ना डालें, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी कमी है, इसमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ताला इसमें हमारी आवाम जो कहीं थोड़ा बहुत कमी जाती है, उसके लिए हम मुहिम चलाएंगे इलेक्शन के बाद कि हम सफाई को ध्यान दें। तो ये थे शमीम खान, जिनका कहना है कि मुमरा शहर में आमदार जितेंद्र अवार्ड ने काफ़ी विकास किया है और इलेक्शन जीतने के बाद वो इसी तरह से विकास करते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टियां हैं वो इनके विकास पर सवाल खड़ा करती है। जो इनके तरफ से बैनर लगाए गए थे उस बैनरों पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया कि विकास का झूठा दावा किया जा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इनके चुनाव जीतने के बाद विकास होगा, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।